जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस 2020 की नई भर्ती घोषणा पहले ही हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो भाई बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर, इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, इसमें अभी कितना टाइम और लगने वाला है। तो भाई, इस वीडियो में आप मेरे साथ जानने वाले हैं कि आखिरकार इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, वो कब तक जारी किया जाएगा, और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो दोस्तों कब से यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2020 के बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिस था वो पहले यहाँ पर जारी किया गया है, ये आप सभी जानते हैं, और इसको लेकर दोस्तों मैंने वीडियो भी बना दिया है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद्यार्थियों को ये आ रही है कि सर, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से होंगे, ये आप हमें बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपकी जो भर्ती है इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है इसमें अभी टाइम लगने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों आपका पूरा इंडिया लॉकडाउन है, इसकी वजह से आपकी जो भी नई भर्ती है वो दोस्तों स्थगित कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो पोस्टपोन हो चुकी है, अभी तक कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं कराई जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं 21 दिनों का लॉकडाउन है। जब तक दोस्तों लॉकडाउन रहेगा तब तक कोई भी आपकी ना परीक्षा होगी और ना ही कोई नई भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपकी कोई परीक्षा चल रही थी वो भी दोस्तों निरस्त कर दी गई है, वो भी स्थगित कर दी गई है, वो भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाली है, ये आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों, जो कमेंट कर रहे थे कि सर भर्ती क्यों नहीं हो रही है, हमें बताइए इसका कारण क्या है, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी अब ये कहेंगे कि भाई लॉकडाउन के बाद कब तक देखने को मिलेगा इसके ऑनलाइन आवेदन, वो भी मुझे बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको उसके बारे में बताते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आखिरकार कब तक आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से आपकी जितनी भर्तियां हैं वो दोस्तों रुक चुकी हैं। जैसा कि इस पेपर में आप देख सकते हैं लिखा गया है, पुरानी भर्तियां टली, नई का काम रुका। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी आने वाले वैकेंसी थी उनका सभी का काम दोस्तों रुक चुका है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की भी जो आने वाली वैकेंसी थी उसका काम भी अब रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है कोरोना वायरस को लेकर, जो आपका इंडिया लॉकडाउन हो गया है, तो भाई आपकी भर्ती भी दोस्तों इसकी वजह से रुकी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रतियोगियों के सामने दोहरा संकट है, एक और प्रतियोगी परीक्षा टलती जा रही है तो अब उन्हें स्वास्थ्य की चिंता भी सता रही है, उधर परीक्षा कराने वाली संस्था में भी काम धीमा हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो भर्ती है वो दोस्तों अब यहाँ पर बहुत दिनों के लिए टाल दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग ने मार्च माह में प्रस्तावित अपनी परीक्षा टाल दी है। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 TA1 व JEE 2019 PA1 की परीक्षा स्थगित की है, जबकि लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्री व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा स्थगित की है। प्रभावित होंगी यह भर्तियां, यहाँ पर देख सकते हैं जो आने वाले वैकेंसी हैं वो प्रभावित यहाँ पर होने वाली हैं। लोक सेवा आयोग जनवरी से विभिन्न परीक्षा विभिन्न भागों में 7500 से अधिक पदों की भर्ती निकालने का काम कर रहा है, और PCS JEE 2018 के 95 सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2017 के 544 व 2018 के 462, अपर निजी सचिव के 186, संभागीय निरीक्षक प्राविधिक के 18, अपर निजी आयोग के 230, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 258, एलोपैथी चिकित्सा अधिकारी के 1798 और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 257 सहित अनेक पदों की भर्तियां निकालने के लिए लोक सेवा आयोग से काम चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सारा काम धीमा हो गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी जो वजह है वो इस कोरोना वायरस को लेकर है, जिसकी वजह से ये आपका इंडिया लॉकडाउन हुआ है, और इसकी वजह से दोस्तों आपकी जो नई भर्ती हैं उन पर रोक लगा दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी उच्चतर शिक्षा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि दिल्ली पुलिस दोस्तों जो आपकी जो भर्ती कराता है वो यही कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर कराता है, तो इसने जितनी भी भर्तियाँ दोस्तों आपकी सब यहाँ पर टाल दी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जब तक दोस्तों ये जो लॉकडाउन है ये खत्म नहीं होता है, और आपकी कोरोना को लेकर जब तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है कि आपकी भर्ती यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाए, तो जब तक दोस्तों ये आपका लॉकडाउन रहेगा और तब तक कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं कराई जाएगी। आपके यहाँ पर जो अप्रैल है इसमें तो कोई वैकेंसी आपकी नहीं कराई जाएगी, यानी कि अप्रैल तो आपका वैसे ही यहाँ पर जाने वाला है, इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू बिल्कुल नहीं हो सकते हैं।
अब दोस्तों कब आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे ये तो भाई नया नोटिस आने पे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कौन सा नया नोटिस आता है। वैसे दोस्तों जहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है वो भाई यहाँ पर आपकी मई में जताई जा रही है कि मई में आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। या फ्रेंड्स मई के मिड में यानी कि मई के सेकेंड वीक तक आपके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई चेंजमेंट हो जाए बीच में कोरोना वायरस की वजह से वो दोस्तों हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर डेली दोस्तों नए नए आपको नियम देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा नया नियम दोस्तों सरकार यहाँ पर ला दे तो वो हम आपको अभी नहीं बता सकते। लेकिन जो आपकी यहाँ पर डेट थी वो मई के सेकेंड वीक तक थी कि मई के सेकेंड वीक तक आपके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी न्यूज जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी यहाँ पर जो भर्ती है वो फिलहाल अभी टल चुकी है, अभी इसका काम रुक गया है। और आपकी जो अभी आने वाली जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की उसका काम फिलहाल अभी नहीं हो सकता, उसके ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने आप को दोस्तों यहाँ पर बिजी रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए जिससे कि आपको यहाँ पर जो बीमारी है वो ना फैल सके। और अपने दोस्तों जितने भी आसपास में आपके लोग हैं उनको दोस्तों सतर्क रखिए, उनको यहाँ पर जागरूक रखिए कि कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें और आराम से दोस्तों खाती पीती रहें और आपकी जो भर्ती है वो तो दोस्तों आ ही जाएगी, इसकी आपको टेंशन यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेनी है। बस आपको अपने आप का यहाँ पर ख्याल रखना है कि मुझे अपने आप कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हैं तो भर्ती है, अगर आप नहीं हैं तो भाई भर्ती भी नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट जो काम है वो यही है कि आपको अपनी सुरक्षा यहाँ पर खुद करनी पड़ेगी। या फ्रेंड्स आपको इस बीमारी से लड़ना खुद ही पड़ेगा और दूसरों को भी दोस्तों इस बीमारी से लड़वाना पड़ेगा। या फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने जो छोटे हैं उनको जागरूक कर सकते हैं और जो बड़े हैं जो नहीं जानते हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि बीमारी छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप जितना घर में रहोगे इतना ही दोस्तों आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।